वही अगली खबर हरदा जिले से है, जहां पीएम मोदी ने जिला मुख्यालय पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। वही सभा के दौरान पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सुना है ये लोग वन ईयर वन पीएम का फॉर्मूला बना रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मैं बैतूल की पवित्र धरती से मां नर्मदा और मां ताप्ती को प्रणाम करता हूं। देश में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग ही उत्साह है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा हरदा तो देश और मध्य प्रदेश की हृदय स्थली है और हृदय से मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, पहले मोदी जब आता था तो कुछ ना कुछ लेकर आता था, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। सर झुकाकर मांगने के लिए आया हूँ, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांगने आया हूँ। साथियों, 7 मई को हमारे इस क्षेत्र में चुनाव है। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में, मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साहब के साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी पार्लियामेंट में मेरे बहुत अच्छे साथी रहे जी। मेरे हर छोटे मोटे कामों की चिंता ये हमारे दुर्गादास जी करते थे। इन दोनों को भारी मतों से जिताना है।